हेलो नमस्कार सत्यकाल आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मयंक, आप देख रहे हैं मयंकेश फिल्म व्लॉग्स। और आज मैं जावेद सर, विकास सर, प्रकाश सर जा रहे हैं ऋषिकेश के लिए। अभी यहां से जाएंगे इस कार के थ्रू एंड विच हम मैं अपडेट करता रहूंगा कैसे कैसे हम लोग जाएंगे और कैसे कैसे राफ्टिंग वाफ्टिंग करेंगे, सब कुछ दिखाऊंगा आपको इस वीडियो के थ्रू। सो लेट्स स्टार्ट। प्रकाश सर ड्राइव कर रहे हैं, इनका फोकस बिल्कुल स्टीयरिंग पे है और ये देखना होगा कि कब तक ये हमें ऋषिकेश पहुंचाते हैं, कितना टाइम लगाते हैं और रास्ते में कितना एंजॉय करते हैं। गाइस ये देखिए, हमने अभी जस्ट पेट्रोल भरवाया गाड़ी में 25-37 रुपए का भैया हमारे देखते हुए हमें। एंड विकास सर कैसा लग रहा है पेट्रोल भरवाते हुए? ऐसा लग रहा है कि जी फुल कर लिए, आगे देखते हैं फिर लेना होगा कितने लिए, लग रहा है कि दिल में दर्द ना हो जाए। 36 लीटर पेट्रोल। दोस्तों तो बात ऐसी है कि हम लोगों ने अभी स्टॉप ले लिया है यहाँ पे, कुछ खाने पीने के रुके हैं एंड यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, चोटी वाला रेस्टोरेंट, मतलब आप लगा लीजिए कि काफी दूर पहले से ही मतलब इसका ऐड स्टार्ट हो गया था एंड वहां से हम चलते चलते आ रहे हैं एंड 10 किलोमीटर, 9 किलोमीटर, 8 किलोमीटर एंड फाइनली हम लोग यहाँ पहुंच गए हैं। सो अब यहाँ पे कुछ खाएंगे पियेंगे एंड रिलैक्स करें, गाड़ी भी गर्म हो गई है, ठंडी हो गई। फाइनली हमने कुछ खा पी लिया है एंड अब जा रहे हैं आगे तरफ। मैं तो हल्का फुल्का खा लिया है कि अब रात तक भूखने लगे कि हमारे यहाँ 3 मील्स फिक्स हैं। सो गाइस फाइनली हम लोग वहां से निकल चुके हैं एंड अब हम जा रहे हैं आगे की तरफ। 143 किलोमीटर अराउंड बचा हुआ है, 3.5 घंटा कुछ लगेगा एंड प्रकाश से ड्राइविंग कर रहे हैं बिल्कुल फोकस करके। सबसे पहले आप इसका व्यू देखिए, जो नियर बाय हम जो चल रहे हैं रोड के साथ में, नहर के किनारे और ये ब्यूटीफुल व्यू देखने को मिल रहा है हमें, बहुत अच्छा। ये देखिए गाइस, ये देखिए, टर्न करो जरा, ये बिल्कुल नहर के किनारे लोग चले जा रहे हैं एकदम सीधे लाइन में चले जा रहे हैं एंड बहुत ही मजा आ रहा है, इसके लिए रास्ता जा रहा है। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू, द ऑसम व्यू, वी हैव टू सी दैट। नाउ फोकस ऑन ड्राइविंग, क्योंकि सेफ ड्राइव करना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा, मतलब मौसम भी ठीक हो रहा है, गर्मी ज्यादा है इसलिए हम लोग चल रहे हैं। फोकस हमारा यही कि हम मंजिल पे सेफ पहुंच सके और प्रकाश सर हमारे बहुत सेफली ड्राइव कर रहे हैं, लेफ्ट राइट आगे पीछे सब देख के गाड़ी चला रहे हैं कि हम सेफ तरीके से हम पहुंच सके हम लोग सारे। एक्चुअली ये वन वे है ना, तो थोड़ा केयरफुली चलना पड़ता है। एक चीज और, हम लोग हाफ पैंट पे आ चुके हैं। हम सब लोगों ने हाफ पैंट पहन लिया है एक्चुअली, हम लोग जिसमें हमें काफी ज्यादा गर्मी लग रही थी इसलिए हम लोगों ने अपनी हाफ पैंट चेंज कर ली है, वो हम आगे दिखाएंगे हम लोग हम किस हाफ पैंट में है, मतलब किस तरीके से कौन सी कलर की हाफ पैंट शॉर्ट्स यार। बिकॉज एक्चुअली क्या है कि अभी बस कंफर्टेबल होना जरूरी है, तो हम लोगों ने बिल्कुल अभी बिल्कुल कूल माइंड हो गए, कूल तो सब लोग रहते ही है। अभी लेकिन जो टेस्टी हमने जो छोले भटूरे खाए ना और विकास सर की हाथों की जो कमाल देखा है, माशाल्लाह सुभानअल्लाह, विकास सर ने बड़ा मस्त उसमें प्लेट में अपना हाथ धोया है प्यारा, वो देख के एक बच्ची मतलब इतना शॉक हो गई थी, मतलब क्या बताऊं मैं एक शॉक हो गया लेकिन देसी अंदाज में अपना हाथ धो लिया और मतलब स्टार्ट कर दिया। बहुत तेज है मतलब, तो फ्रेंड्स अब हम लोग फाइनली रूम में आ गए हैं। ये हमारा रूम देखिए, काफी बड़ा है एंड इसमें ये ऊपर नीचे सोने करके विकास सर सो के चाहिए। एसी भी चल रहा है, एसी भी चल रहा है, एसी भी है, ये एसी भी लगी हुई है पीछे
और ये एक हमने चीज नोटिस करी है यहाँ पे, यहाँ मैसेजेस लिखे हैं बहुत जगह, जैसे ये देखिए गाइस, जॉइंटर्स, पीस ऑफ माइंड, पता नहीं क्यों सर आपको क्या कहना है, क्यों लिखे हैं मैसेजेस? एक्चुअली जो लोग यहाँ पर आते हैं वो अपनी यादगार छोड़ के जाते हैं शायद, कि ये प्लेस उनको क्या याद दिलाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी चीजें लिखी है, मेमोरेबल ट्रिप, एंजॉय एंड हैड फन अ लॉट, तो ये बताता है कि यहाँ के लोगों को जो आने वाले हैं कि यहाँ पर एक मेमोरेबल ट्रिप बनती है जो एंजॉय और बहुत सारे एंजॉय के साथ वो यहाँ से लेके जाते हैं फन के साथ। सो गाइस मतलब बहुत मेमोरीज जुड़ी हुई है रूम के साथ एंड फाइनली हम लोग भी जो है रूम में आ चुके हैं। अभी देखिए मेरे पीछे बड़ा अच्छा कलरफुल वो लगा है, ये लगा हुआ है, एंड रास्ते में मैंने शूट नहीं किया बिकॉज रास्ते में थोड़ी परेशानी हुई थी, थोड़ी सी इतनी सी परेशानी हुई थी, वो बताइए प्रकाश सर। ओह माय गॉड, रियली मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था हिल पे ड्राइव करने का, सो आई एम वेरी स्केयर्ड, बट मयंक जावेद ने मेरी बहुत हेल्प करी, मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जिससे मैं यहाँ तक पहुंच पाया, बट अब मैं इतना टायर्ड हो चुका हूँ कि मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं ड्राइव कर सकूं, और सो लेट्स सी इन टुमारो कि हम किस तरह रास्ते में जाते हैं और किस तरह में एडवेंचर मिलते हैं। और लेकिन एक स्पेशल चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जो हमारे साथ विकास थे, मिस्टर विकास, उनका सिर्फ एक ही धार्मिक मकसद, वो पूरे रास्ते सिर्फ सोते हुए गए और सोते हुए ही अगले दिन जाएंगे। क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल कंफर्म था कि जब हमारे साथ प्रकाश सर है मैं बिल्कुल क्लियर हूँ। ये क्लियर भाई साहब, ये कोई क्लियर नहीं था। हाँ, आप लोग कह रहे हो जावेद सर आएंगे, जावेद सर अंदर नहा रहे हैं, अभी वो आएंगे, फिर हम लोग जाएंगे कुछ खाने पीने के लिए, एंड देन कल मे भी हमारा प्लान बनेगा राफ्टिंग का, कल का ब्लॉग भी हम खाने के दिखाएंगे क्या क्या खाना हम खा रहे हैं। हम 11:45 दिल्ली से न्यू दिल्ली से चले थे और हम 8:45 ऋषिकेश पहुंचे, रास्ता काफी मतलब अरे रास्ता बहुत स्केयर्ड था यार, रास्ता बहुत स्केयर्ड था, वो टफ यार, मैं तो नेविगेटर था, मैं नेविगेटर था, मतलब जो गूगल मैप का काम होता है, राइट साइड लेफ्ट साइड बता रहे थे अंधेरे में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है दोस्तों, मतलब ड्राइव करना बहुत टफ रियली। अभी हम लोग गए झूला, लक्ष्मण झूला, दोस्तों अभी लक्ष्मण झूला पे रुके हुए, अभी लक्ष्मण झूला जगह है वहाँ पे हम लोग आ चुके हैं, एंड इसके आगे जाने की मतलब हमारी हिम्मत नहीं हुई, बहुत ही मतलब पहाड़ी का एरिया है, बहुत मुश्किल से मतलब पहुंचे हैं। और मेरे बाइसेप्स कैसे लग रहे हैं भाई? तो सही आ रहे हैं, सही आ रहे हैं, चेस्ट सही आ रही है। हां लगे कल दिखेंगे आपको बड़े अच्छे अच्छे क्लिप्स, क्योंकि कल हम लोग आपको कुछ अच्छे क्लिप्स दिखाने वाले हैं, सो एंजॉय एंजॉय बाय। सो गाइस वी आर गोइंग फॉर समथिंग टू ईट, हम डिनर करने के लिए जा रहे हैं, हम सब फ्रेश हो गए हैं सब, और बाकी सभी सर और मैं सर बताएंगे, विकास सर बताएंगे अपने कुछ व्यूज अभी, क्योंकि फ्रेश होके आए इनको बहुत कैसा लग रहा है, फ्रेश होके फ्रेश होके बहुत ठंडा लग रहा है ना, गंगा के पानी से नहा के बिल्कुल शरीर ठंडा हो गया है। अभी टाइम बस कल चले गए थे, रात के 10 बज रहे हैं, अब हम लोग निकल रहे हैं डिनर के लिए, सो डिनर करके हम लोग रेस्ट करेंगे। एक बार दोबारा देख लीजिए, 002 वी आर गो, बाय। दोस्तों इस वक्त हम अभी हैं लक्ष्मण झूला के ऊपर, ये जो है तहरी गढ़वाल और जो पौड़ी है उसके ऊपर बनाया गया है, बेसिकली जो है हमारे ऊपर गंगा नदी के ऊपर इसको बनाया गया है, और आप लोग इसको ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, लेकिन अभी जो वहाँ पे हम खड़े हैं वो शेक हो रहा है, हिल रहा है, लग रहा है कि ये झूला झूल रहा है। हाँ झूला, इसलिए इसका नाम भी लक्ष्मण झूला है क्योंकि ये झूले की तरह हिल रहा है, एंड मतलब वीडियो में तो दिखेगा नहीं आपको, रात हो चुकी है, बट जो अभी का माहौल है ना यहाँ का वो बहुत प्यारा है, तो कभी भी आप लोग अगर ऋषिकेश, डर भी लग रहा है, डर भी लग रहा है, हाँ क्योंकि काफी ये शॉकर की तरह जंप कर रहा है, और जो हाइट का डिस्टेंस है वो कुछ ज्यादा है। सो गाइस कभी भी आप लोग ऋषिकेश की तरफ आए तो लक्ष्मण झूला जरूर आए, एंड हमारी मतलब खुशकिस्मती कह लो कि हम लोग रात को आए हैं, अभी रात हुई बिकॉज लाइट्स काफी चमक रही है, देखिए और लोग यहाँ से बाइक ट्रेवल कर रहे हैं। हाँ अच्छा, ये शेक भी हो रहा है, बाइक सब मतलब चल रही है, ऋषिकेश आए तो जरूर यहाँ पे पधारे, लेकिन बहुत मुश्किल है वैसे आना इस तरफ, लेकिन आए जरूर। गाइस चढ़ना तो बड़ा मतलब उतरे तो बड़े आसानी से थे, लेकिन अब खाना खा के चढ़ रहे हैं ना जो ऊपर, मतलब थोड़ा टफ पड़ रहा है, नहीं फिर भी ठीक है,
ठीक है। सो दोस्तों, ये था हमारी वीडियो का पार्ट वन कि हम लोग कैसे कैसे दिल्ली से ऋषिकेश पहुँचे, एंड जो पार्ट टू है वो आएगा नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड, एंड अगर आप लोगों को वीडियो देखने में मज़ा आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था, एंड अगर न्यू हो सो फॉर प्यारी प्यारी लवली वीडियोज सब्सक्राइब टू मयंक केशु फिल्म्स एंड व्लॉग्स टू। बाय बाय, टेक केयर। Yeah!